पहला तो जितना भी ये प्रोडक्शन में सबका सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे सबके सब। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब जब आपके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ तब तक बताया मैंने कि नए नए लोगों को जो अभी इन लोग चांस दे रहा है ये बहुत ज़रूरी है। नए लोग बहुत अच्छा काम कर रहे तो उनको चांस देना बहुत ज़रूरी है। आई हैव बिन इनके साथ, मैं अभी कुछ टाइम पहले ही जुड़ा राजा भाई से, शैली मैम से। हमने कश्मीर में भी एक वीडियो शूट करी जो बहुत जल्द रिलीज़ होगी, एंड आई वाज लकी इनफ कि मुझे सेकंड टाइम इन लोगों ने ऑफर किया, एंड आई सेड यस। आई वाज वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्शन, विद द पीपल दे आर। तो बहुत खुशी है, बहुत एक्साइटेड है सब फॉर द प्रोजेक्ट। दिस इज़ माई फर्स्ट सॉन्ग विद दिस प्रोडक्शन, बट आई वर्क विद द डायरेक्टर बिफोर। डायरेक्टर के साथ मैंने पहले काम किया। आई एम सो एक्साइटेड कि आप लोग ये सॉन्ग देखें जब रिलीज हो, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट आर एफर्ट इन इट, इट्स ऑल्सो द पीपल बिहाइंड द कैमराज। सो या आई होप यू गाइस विल रियली लव द सॉन्ग। हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पर, एंड लाइक यू कैन सी आवर टीम इज़ रियली ग्रेट। सो द लेबल, लाइक आई सेड, दिस इज माई फर्स्ट सॉन्ग विद देम। He has worked with them before, and I know the label is by her and her husband P.V. Handa. Really great people, really great scope, and they're gonna go really ahead. So yeah. अभी एक्चुअली पर्टिकुलर जो अभी पॉइंट है यहाँ पर, पहले हम 7 सॉन्ग को शूट कर रहे हैं, देन भाव का सॉन्ग है। सो आप सब तो हैं फैन भाव के, सो आप सब लोग जुड़े रहिएगा गोल्डस्ट रिकॉर्ड्स के साथ। अभी और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है, और काफ़ी हम लोग मूवीज़ भी करने वाले हैं। किसके बाप को नहीं डरते है, कितने भी कंपटीशन में आवे, समझा? कंपटीशन होगा तभी तो मज़ा आएगा काम करने में। हाँ, क्योंकि जिंदगी में ना, जिंदगी में टक्कराव होना बहुत ज़रूरी होता है, टक्कर वाले मिलना ज़रूरी होता है, तब आप आगे बढ़ेंगे। सब नॉर्मल मिलेगा तो थोड़ी कोई होएगा, मज़ा नहीं आता है ना। टक्कर मिलना में बहुत ज़रूरी है। बेहतर यानी आप आपका परफॉर्मेंस परफेक्ट दो, पहला तो फैन से प्यार करो, लोगों की इज्जत करो, बड़ा बनने के बाद अपने औकात मत भूलो, समझा? फैंस को नहीं भूलने का। कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द स्लैंग ऑफ मुंबई और बॉम्बे की भाषा में जो भाव ने इसको खींचा है, और जो इसमें शैली मैम और पी वी हांडा जी ने गोल्ड डस्ट रिकॉर्ड्स ने जो इसकी पब्लिसिटी करने का प्लान बनाया है, ये बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा। नहीं, मुझे पहली बार ये राजा भाई मिलने को आए मेरे को, और वो प्रोजेक्ट के बारे में बताया। पहला तो मेरा क्या है मालूम है, जो भी नए ना डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, नए आर्टिस्ट है, उनका अगर मेरे पास कोई आता है ना उनका, तो फिर मैं उनको मदद करता ही करता है, क्योंकि अभी बस हो गया, वो पुराने थोबड़े देख देख के ना परेशान हो गए, तो अभी इनको इनको आगे बढ़ाना है मेरे को, ऐसा है। तो मैंने हाँ बोल दिया, ऐसा है। क्या देखते हो मतलब नए लोगों में, क्या टैलेंट देखते हो, क्या देखते हो? नए लोगों का टैलेंट देखो, आप लोग ना ये जो गली में छोटे छोटे झोपड़ों में जाके देखो, एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट है, अब उधर ही मर रहे हैं। मैडम को सर्दी हो गया पहुंच गए, कैसा सर्दी हो गया है, उधर जाके देखो उन लोग कैसा एक्टिंग करते हो। एक्चुअली मेन जो है गोल्डस्ट रिकॉर्ड्स का, हमारा बनाने का मेन मोटिव यही था कि जो आर्टिस्ट टैलेंटेड हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा वो लोग स्ट्रगल भी करते हैं, बट उन्हें चांस नहीं मिल पाता। नहीं, बहुत काफ़ी लोग हैं भाव, आपकी बात नहीं, इन लोगों का नहीं, इन लोग का शुक्र मानने का, ऐसे लोगों का ना, ऐसा ऐसा कंपनी का शुक्र मानने का जो इन लोग ना नए नए लोगों को ना चांस देते। हाँ। इनका शुक्र मानो, समझा? वरना ये ना बच्चे जो जिनके अंदर टैलेंट है ना, वो बेचारे इसके पास फाइल लेके गए, उसके पास एडमिशन के लिए गए, साले रुका के रखते दो दो तीन तीन घंटा, समझा? इनको काम नहीं मिलता है, और ऐसे लोग ना तो फरिश्ते के जैसा आ जाते आगे, और ऐसे बच्चों को ना काम देते तो वो आगे आपको दिखने में मिलता है कि ये ऐसा था। मैम आपसे जानना चाहूँगा कि आज कितने गाने की शूटिंग हो रही है और कौन से बोल दिया?
आज एक पंजाबी सॉन्ग की शूट हो रहा है और एक भाऊ के सॉन्ग का शूट हो रहा है. पंजाबी सिंगर हमारे लिए खुल के ताइए प्लीज. जो पंजाबी सॉन्ग के जो लिरिक्स हैं वो खुल के जरूर बैठिए ना. क्या नहीं है, मैम ने बहुत मौका दिया मेरे को, तो बहुत बहुत थैंक्स है वाले को मैम आपका. एक लाइन हो जाए. अत भी कराई वैल पुणा किता रीज नाल झुकी नहीं हो पर कदे अत मैं अपने ही दम नाल किती बदमाशी आके हवा विच किता नहीं हो कठ मैं अपने ही दम नाल किती बदमाशी आके हवा विच किता नहीं हो कठ मैं जो तू अज करे पिछे मैं भी यही किता साइको माइंड पिछे किन्ने ज्यादा कांड हो गया ओल्ड थिंक हो गई साडी चेंज बलिया तेरी किस्मत चंगी जट साध हो गया बिगड़े माहौल विच हुंदा किते फेस पता लगना भी नहीं सी कदों शांत हो गया. एक नंबर सिंगर है, बाप लोग हैं उन लोग. गाने में पंजाब में ना एक से एक सिंगर पड़ा है, पता आपको? इक्की ना दुक्की ना बादशाह ना इक्का, मुंबई में चलेगा भाऊ का सिक्का. इक्की ना दुक्की ना बादशाह ना इक्का, मुंबई में चलेगा भाऊ का सिक्का. छूले पनीर बन जाए मटन टिक्का, या मुंबई में चलेगा भाऊ का सिक्का. और इसमें इस गाने में फिर एंड में जो चीज़ें जोड़ी गई हैं वो ये जोड़ी गई हैं कि भाई आप लोगों से प्यार करें. जिस पे आपको नफरत आ रही है ना उसका रीज़न देखें कुछ और है. अगर आप उसके जूते में पैर रख के देखेंगे, उसकी तरफ जाके देखेंगे, तो आपको लगेगा नहीं यार ठीक है उसके साथ कोई समस्या है. तो उसी नाम से लिखा गया है कि अगर भाऊ का सिक्का चले तो हर जगह प्यार हो. जैसे ये गाना शैली जी ने सुना गोल्डस्ट रिकॉर्ड का, उन्होंने कहा हम ये गाना करेंगे. बस मैं यही बोलता हूँ कि खास करके मैं है इसके लिए नहीं, ये नए जो है ना जो आर्टिस्ट हाँ ये अपना करियर ये बॉलीवुड में बनाना चाहते हैं, जैसा सुशांत सिंह राजपूत ने बनाने का कोशिश किया मगर वो बनने नहीं दिया. तो मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से बोलना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को मदद करो और इनको आगे बढ़ाओ, और जो जो इनके खिलाफ जाएगा उनको सबक सिखाओ. कैसे कैसे किस किस टॉपिक पे सॉन्ग बन रहे हैं तो मैं अभी बताना भूल गई कि हमारा एक सॉन्ग रिसेंटली रिलीज हुआ है नागिन बाय शंकर सहानी. तो आप सब YouTube पे जाके वो भी सर्च कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा. का नाम बताइए. गोल्डस्ट रिकॉर्ड्स. हाँ गोल्डस्ट रिकॉर्ड में जाके ना आप लोग इनके जितने प्रोजेक्ट बने आप वहाँ तक पहुँचाइए, लोगों तक पहुँचाइए और उनको बताइए कि ऐसा भी काम होता है. ठीक है.